मेरा मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, मेरा एक साल का क्या कैलकुलेशन होगा, दो साल का क्या होगा, पांच साल का क्या होगा, आप मुझे बताइए। तो आपका सात साल तक का, छह साल तक का, पांच का, दो का, एक का क्या आपका ईएमआई बनेगा, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल गया हो या फिर आपको किसी भी कारणवश लोन को वापस करना है आपके अकाउंट में आने के बाद और आपको लोन लेना है नहीं है, तो दोस्तों आपको पता है उसके लिए एक लोन कूलिंग एक टर्म होता है, यानी कि आपको लोन वापस करने का बैंक मौका देता है 15 दिन के अंदर अगर आपको लोन नहीं लेना है। तो मैं आपको उसी का इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ लोन। तो आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोग घर बनाने के लिए, घर को रिनोवेशन करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, त्योहार को मनाने के लिए और ठंड में घूमने फिरने के लिए या कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है तो उसके लिए पर्सनल लोन की बहुत रिक्वायर करते हैं। तो अगर आप लोग भी पर्सनल लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं पर्सनल लोन चल रहा है, बैंक किस रेट पे दे रहा है आप लोगों को, क्या कैलकुलेशन लगता है उसमें, प्रोसेसिंग फीस क्या लग रहा है, इंश्योरेंस कैसे लगता है, आप उसको कैसे वेव अप करा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके बड़े काम की है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। और आज की टॉपिक आप लोगों के लिए रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी सिनेरियो में जो अब लगा रहा है, और कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है और ज्यादा से ज्यादा कितने पे आपको मिलेगा, कौन सा बैंक आपको सबसे आसानी से लोन दे रहा है। तो दोस्तों, अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है पर्सनल लोन में, दोस्तों कम से कम बियर मिनिमम अगर हम बात करें तो 10.49 से लेकर 24% तक एनुअल ROI पे आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कर रहा है। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार किसी को 10.49 में दे रहा है और किसी को 24% में दे रहा है, ये क्या तमाशा है, बैंक सबको एक नजर से क्यों नहीं लोन दे रहा है। तो दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर होते हैं आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, बहुत सारे सैरोगेट के बिहा पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक डिसाइड करता है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है, आपका सिविल स्कोर अच्छा है, आपका FOIR मतलब फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो अच्छा है, आपकी सैलरी से कम अगर आप EMI दे रहे हैं, आपकी कोई EMI डिफॉल्ट नहीं होती है, तो दोस्तों आपको पता है आपको 10.49 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन दे देगा जो कि रिड्यूसिंग होगा, और आपका एक साल का जो EMI यहाँ पे लगेगा वो मात्र 6,000 रुपए के आसपास लगेगा। बिल्कुल दोस्तों, 1,00,000 का 6,000 ही ब्याज लगेगा। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए हम आपको 1,00,000 से लेके 10,00,000 रुपए तक का कैलकुलेशन आपको व्हाट्सएप कर देंगे। हम आपको बताएंगे कि आपका कितना EMI लगने वाला है, ठीक है ना। तो आपको अगर ये कैलकुलेशन लेना तो फटाफट इस व्हाट्सएप में आइए और आपको घर बैठे सारी कैलकुलेशन मिल जाएगी, कोई चार्ज नहीं, फ्री की सर्विस है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि 24% पे किसको लोन मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 24% पे उन लोगों को लोन मिलता है जिनका सैलरी कम है, नॉन लिस्टेड कंपनी में काम करते हैं, उन्होंने अवकाश से ज्यादा लोन ले रखा है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऐप से बार बार लोन के लिए इंक्वायरी है, और उन्होंने पहले से भी लोन ले रखा है, यानी कि फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो उनका ज्यादा है, यानी कि उनकी सैलरी कम है, EMI ज्यादा भेज दे रहे हैं, तो बैंक उनको लोन तो देगा लेकिन अपनी मर्जी के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उनका 24% तक का ROI लगेगा एनुअल। 1,00,000 रुपए लेंगे तो 12,000 रुपए साल में ब्याज देने पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, 12,000 रुपए साल में ब्याज देना पड़ेगा। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अच्छी सैलरी कौन सी होती है और छोटी सैलरी कौन सी होती है जिसमें 24% पे ब्याज मिलता है। तो दोस्तों, आपकी 35,000 से प्लस सैलरी है आपके अकाउंट में जो क्रेडिट हो रहा है, आप एक लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भी 3-4 फैक्टर और जो सिविल के होते हैं वो चेक किए जाते हैं, और आपको हो सकता है कि प्रोसेसिंग फीस भी कम लगे और आपका इंश्योरेंस ना लगे। दोस्तों, लोन में प्रोसेसिंग फीस क्या होता है और आपका जो इंश्योरेंस क्या होता है, ये सब की अगर जानकारी नहीं है तो आप लोग व्हाट्सएप में आके पूछ सकते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे, हमने ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना रखा है, आपके समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 24% एनुअल रेट पे अगर आपको कोई बैंक लोन देता है तो आपकी क्या EMI बनेगी, क्या अकाउंट में पैसा कट के आएगा, क्या आपका चार्ज लगेगा, इन सब की जानकारी बारीकी से अगर आपको लेनी है, वीडियो नहीं मिल रही है
तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी सारी कैलकुलेशन बताने में। आपको कहीं नहीं जाना है, व्हाट्सएप में आना है और अपने सवाल को रखना है कि सर मेरी इतनी सैलरी है और मैं ये काम करता हूँ, मेरे को हर महीने अकाउंट में मेरी सैलरी आ रही है और मेरा सैलरी स्लिप पीडीएफ में आता है, मेरा अकाउंटिंग स्टेटमेंट पीडीएफ में है, मैंने कोई लोन नहीं लिया है, मेरा मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा, मेरा एक साल का क्या कैलकुलेशन होगा, दो साल का क्या होगा, पांच साल का क्या होगा, आप मुझे बताइए, तो हमारी टीम आपको सारी चीजें फ्री में बताएंगी। आपको एक बात बता दूं, पर्सनल लोन जो होता है, अब तीन टाइप के लोन टेन्योर होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म, एक लॉन्ग टर्म। तो ये मिड टर्म लोन होता है जिसकी अवधि जो होती है मैक्सिमम पांच, अब छह और कहीं कहीं से नियमों में सात भी कर दिया गया है, तो आपको सात साल तक के लिए ये मतलब अपवाद है कि ICICI बैंक या HDFC बैंक आपकी सैलरी पे दे देते हैं, SBI दे देता है, लेकिन मैक्सिमम छह साल के लिए बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है पर्सनल लोन। तो आपका सात साल तक का, छह साल तक का, पांच का, दो का, एक का, क्या आपका EMI बनेगा, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप पे एक एक चीज का जानकारी देंगे। लेकिन बस आपको यही बताना, पहले चार पांच क्वेश्चन क्लियर करना है, आपका पैन नंबर क्या है, आपकी तनख्वाह कितनी है, एक सैलरी स्लिप भेजना है और आपने पहले लोन लिया है, अगर लिया है तो आपका कितना EMI जा रहा है, और नहीं लिया है तो फिर आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो उसके बारे में बता दीजिए, और आपका सिविल स्कोर अगर आपको पता है तो बता दीजिए, नहीं मालूम है तो फिर आप दो चार क्वेश्चन हमारे एग्जीक्यूटिव पूछेंगे, आप बता देंगे, तो वो आपकी 100% लोन ले या ना ले आपकी हेल्प करेंगे। हमारे माध्यम से जानकारी लेके अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक गारंटी दे रहा हूँ कि आप हो सकता है 1% तक की बचत कर सकते हैं PF में, प्रोसेसिंग फीस में, और यहाँ भी गारंटी दे रहा हूँ आप 1% की बचत कर सकते हैं पूरे लोन पेमेंट्स में, और आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपका PF हो सकता है हमारे माध्यम से अगर आप सलाह लेके लोन लेंगे तो फ्री में PF हो जाएगा, मतलब 5-6 हजार 10 हजार जो भी PF का चार्ज होता है नहीं लगेगा, गारंटी दे रहे हैं अगर आप हमारे माध्यम से चीजों की जानकारी लेकर अगर उस काम को करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अभी जो सा बैंक क्या रेट पे दे रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक की मैं बता दूं, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट है 10.49 से है, और इसके लोन को अप्लाई करने के लिए आपकी बेयर मिनिमम सैलरी जो है ना 30 प्लस होनी चाहिए, आपका सिविल 700 प्लस होना चाहिए, आपको यहाँ पे 10.49 पे 5 साल तक के लिए लोन मिल जाएगा, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो वीडियो के अंत में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का जो सिनेरियो होता है वो सब बैंकों का लगभग सेम ही है, एक दो पेपर ऊपर नीचे हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों HDFC बैंक आपको 10.50 यानी कि 10.50 के रेट से लेकर उसके ऊपर तक का अलग अलग सीनियरो में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के पर्सनल लोन दे रहा है। कैलकुलेशन आपको लेनी है तो आप हमारे से ले सकते हैं, बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका स्टार्टिंग क्या है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की, यह दोस्तों प्राइवेट सेक्टर का एक बैंक है, 10.99 पे आपको लोन प्रोवाइड करा रहा है। यह दोस्तों 10.99 पे आपको अक्टूबर के महीने में वो लोन प्रोवाइड करा रहा है। उसके बाद दोस्तों है एक्सिस बैंक है, वो भी 10.49 पे आपको दे रहा है। इंडसइंड बैंक है, 10.49 से स्टार्ट है उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दोस्तों टाटा कैपिटल, बजाज फिनेंस, अब इनका नाम आपने सुना होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, अगर आप इनसे भी लोन लेते हैं तो ये लोग भी आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.99 से स्टार्ट है। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सारी लोन कंपनियां हैं, फेडरल बैंक है, DMI फाइनेंस है, फाइनेंस है, क्रेडिटी है, मनी ट्रेव है, पिरामल फाइनेंस है, आदित्य बिरला, ये सारी क्या है ना कि कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, कुछ ऐप बेस्ड है। जैसे क्रेडिट भी मैंने आपको बताया, क्रेडिट भी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों स्टार्ट हो रहा है 12.25 से लेकर 30% तक का है। जी हाँ दोस्तों 30% तक में भी ये आपको लोन प्रोवाइड कर देगा, और इसका जो स्टार्टिंग अमाउंट है 10,000 रुपए से लेके 5,00,000 रुपए तक मैक्सिमम है। आदित्य बिरला का नाम सुना होगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, मनी व्यू, और इसके बाद कैसी भी दोस्तों एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है और वो आपको लोन प्रोवाइड कर देती है 12,000 रुपए सैलरी पर, अगर आपका सिविल 700 प्लस है और आपका सैलरी आपके अकाउंट में आ रहा है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका बिजनेस अकाउंट है वो होना चाहिए एक साल पुराना, और PDF में होना चाहिए अकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके भी यहाँ पे KCB का लोन अप्लाई कर सकते हैं। KCB का लोन की रिक्वायरमेंट है, व्हाट्सएप पे आइए, लिंक भेज देंगे, आप खुद उसको अपने अकाउंट में अगर सिविल अच्छा है तो डिस्बर्सल करा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे, अगर आपने पर्सनल लोन की अप्लाई किया, पर्सनल लोन का आपने पेपर दिया, पर्सनल लोन में जो जो पेपर लगते हैं, जैसे कि अगर आप सैलरीड हैं तो 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, 3 मंथ्स का अकाउंट स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड KYC के लिए, और आपका फोटो लगता है, एक करंट एड्रेस प्रूफ लगता है। आपको अगर लोन लेने का प्लान है उसमें EMI
कितनी बनेगी, एक साल की, दो साल की, छह साल की, क्योंकि पर्सनल लोन एक मिड टर्म का लोन होता है। और आपको पता है कि इस पे जो ब्याज लगता है वो रिड्यूसिंग और फ्लैट के रूप में लगता है। कौन सा बैंक आपको रिड्यूस में दे रहा है, कौन सा फ्लैट में दे रहा है, आपको बैंक वाले बताया या नहीं बताया, ये सारी जानकारी न लेने के कारण आपको लोन बैंक दे देता है। और जब आप सेंसेशन लेटर देखते हैं, बैंक पैसा डिस्पर्सल कर देता है, तो कहते हैं यार रिड्यूस पे लिया था, फ्लैट दे दिया, ये बोला था ये दे दिया। तो यहाँ पे आपके अकाउंट में जब पैसा आ जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि यार बैंक ने पैसा दे दिया, मुझे बोला गया कुछ दे कुछ दिया, तो यहीं पे आपको कूलिंग टर्म जो है, जो 15 दिन का बैंक देता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी देती है, वो कूलिंग टाइम होता है, लोन रिव्यू टाइम होता है कि भाई आपको जो चीज दिया गया है वो आपको जो बोला गया वही दिया गया कि नहीं दिया। अगर उस बिटवीन में अगर आपको लोन नहीं लेना है तो पूरा पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। दोस्तों लोन कूलिंग पीरियड में आप अपने अमाउंट को बैंक को वापिस करने का एप्लीकेशन लिख कर वापिस करा सकते हैं। बिल्कुल आप अपने एग्जीक्यूटिव जिसने आपको लोन दिलाया है या फिर लोन सेंटर में जाके जहां से आपका लोन डिस्पर्सल हुआ है वहां से नहीं, जहां पे लोन को क्लोज कराया जाता है, लोन की सर्विस दी जाती है, उसको लोन सेंटर बोला जाता है, आप वहां पे एप्लीकेशन देके आप अपने लोन को 15 दिन में बिना कॉस्ट के बैंक को वापिस दे सकते हैं और यहां पे आपका बिल्कुल चार्ज नहीं लगेगा। इसमें क्या टेन्योर है, क्या टर्म है, थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों आप भी परेशान है, किसी ने महंगे रेट पे आपको लोन चेप दिया, 15 दिन का टाइम खत्म हो चुका है और लोन को चलाते आपको एक साल हो चुका है, तो आप हमारे माध्यम से उस लोन को बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर एक टर्म होता है जिसमें एक बैंक का लोन दूसरे बैंक के माध्यम से हम करवा देंगे और जो बैंक से अभी एट प्रेजेंट चल रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो दूसरा बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा, ये हमारी गारंटी है। और प्रोसेसिंग फीस जो लगेगा आप हमारे माध्यम से, जी हाँ दोस्तों आप हमारे माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आधा या पूरे का पूरा हम वेव ऑफ करवाने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो अगर आपको लोन लेना है, लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, तो जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है आइए, आप कहां से हैं, दिल्ली से हैं, चंडीगढ़ है, मुंबई है, कोलकाता है, या बिहार से हैं, पंजाब से हैं, जहां से भी बिलोंग करते हैं, आपकी सैलरी अगर अच्छी है, लोन लेने का प्लान बना रहे हैं घर बनाने के लिए, शादी विवाह के लिए, घूमने फिरने के लिए, या हारी बीमारी आ गई है, या महंगे रेट पे लोन ले रखा है, तो हम आपकी मदद करेंगे और लोन दिलवा भी देंगे घर बैठे बैठे। तो हम बात कर रहे थे लोन कूलिंग पीरियड। तो लोन कूलिंग पीरियड में आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। बहुत सारे जो नेशनलाइज बैंक है जैसे SBI हुआ या PNB हुआ, वो आपको विदाउट चार्ज के आपका लोन वापिस ले लेगा, लेकिन दोस्तों प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो आपसे 2-2.5% का चार्ज करते हैं क्योंकि उनकी कॉस्टिंग लगती है। अब मान लीजिए जिस एजेंट के माध्यम से आपको लोन हुआ उसको भी बैंक कमीशन देता है, तो लोन कूलिंग पीरियड में अगर आप प्राइवेट बैंक का लोन क्लोज कराने जाएंगे तो आपको 2% का चार्ज लग सकता है, लेकिन पहले बैंक कोशिश करेगा कि आपका लोन क्लोज ना करे। तो इस टर्म के बारे में आप जब उन्हें बताएंगे कि हमें लोन कूलिंग पीरियड में इस लोन को क्लोज कराना है, आप कैसे नहीं करेंगे, मैं आपकी शिकायत बैंकिंग ऑम्बड्समैन में, RBI में कर दूंगा, आपके नोडल ऑफिसर्स को कर दूंगा, तो डर के मारे वो आपका हाथ पांव जोड़ेंगे और आपका लोन क्लोज कर देंगे, अप्लाई करेंगे लोन। दोस्तों पेपर बेस्ड जब लोन आप अप्लाई करते हैं, आपकी सैलरी होती है 35,000-36,000 रुपए पर मंथ, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.49 जो होता है वो रिड्यूसिंग लगता है और PF यहाँ पे नील हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी बातचीत करने की कलात्मक क्षमता को, बैंकर्स के साथ बार्गेनिंग करने की अगर बैंकर नहीं कर रहा है, तो हमसे पूछिए वो कैसे फ्री करेगा आपका प्रोसेसिंग फीस। तो देर किस बात की, व्हाट्सएप में आइए और रखिए लोन की इंफॉर्मेशन और हम जानकारी आपको देंगे घर बैठे बैठे। लोन कहीं से ले, लेकिन अगर आप यहां से जानकारी लेकर लोन लेंगे तो बहुत फायदा होने वाला है। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को फॉलो कर लीजिए फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा, कोई क्वेश्चन क्वायरी अगर आपके माइंड में आ रहा है। और इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा लेनी है, आपको अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन लेनी है, लिंक की इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपको EMI का इन्फॉर्मेशन लेना है, पेपर क्या लगने वाला है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.hktips.com विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, रखिए सबका ख्याल दोस्तों, जान है तो जहान है, सी यू।